नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और आज देहरादून की एक खास जगह पर आप सभी को लेकर के आई हूँ। झाजरा क्षेत्र में ये जगह पड़ती है और मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं आनंद वन, उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट में ये पड़ता है। और जैसे ही मेरी नज़र यहाँ पर एक बोर्ड पर पड़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये जगह मुझे आपको ज़रूर दिखानी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर पहुँची तो मेरी नज़र पड़ी इस बोर्ड पर और वाकई में मुझे तो देख करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। यहाँ पर मेडिशियल प्लांट, सीता वाटिका, नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, ऐसी बहुत सारी वाटिका है, वाटर फाउंटेन है, बच्चों के लिए पार्क है और इसके साथ ही पीसफुल जगह ये है। तो चलिए आगे चल करके हम देखेंगे कि कितना पीसफुल ये है, क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफ है इतनी भागदौड़ भरी हो चुकी है, इतना टेंशन, इतना ट्रैफिक, इतनी गर्मी, ऐसे में इंसान चाहता है कि एक सुकून भरे पल कहीं पर बिताए जहां पर शांति हो, सुकून हो, नेचर हमें देखने को मिले। तो ऐसी जगह मुझे ये लग रही है, चलिए देखते हैं। बहुत ही शांति और सुकून भरी जगह ये है। मेरे पीछे आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर बुरांस, जो कि हमारा राज्य वृक्ष है, इस तरीके की पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है और आगे यहाँ पर लिखा भी है कि आनंद वन में आपका स्वागत है, प्रकृति का आनंद आप ले सकते हैं, स्वच्छ और हरा भरा ये वातावरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे कोड भी यहाँ पर लिखे हैं कि इस जगत में स्थिर और चलने वाला जो कुछ भी है वो ईश्वर द्वारा व्याप्त है, यानी कि उसमें ईश्वर का वास है और इस जगत का भोग त्यागपूर्वक ही करो और किसी अन्य के धन का लोभ मत करो। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हैं। आनंदेश्वर बाबा का जो है यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया गया है। तो यहाँ पर सामने आप देखेंगे यहाँ पर टिकट काउंटर है। चलिए उनसे पहले मैं जान लेती हूँ कि यहाँ पर अंदर देखने लायक क्या है, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पेशल मिल सकती हैं। इस पार्क में हम आए हैं तो अंदर देखने लायक क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या खास है जो दर्शकों को पसंद आ सकती है? इसमें देखिए सीता वाटिका है, नक्षत्र वाटिका है और आपका बुग्याल ग्राउंड है, ट्री हट है, एडवेंचर है और आपका जैसे जितने भी जानवर हैं उनके मॉडल हैं, इसके साथ आप फ़ोटो खींच सकते हैं। और घूमने के लिए बाहर से कोई भी चीज़ ला सकते हैं, आप खा सकते हैं यहाँ पे आराम से, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसे कि आजकल की जो लाइफ है हमारी बहुत भागदौड़ भरी हो चुकी है, गर्मी और टेंशन इंसान के दिमाग में होता है, तो सुकून के पल अगर कोई बिताना चाहे यहाँ पर आराम से, यहाँ पर एंजॉय करना चाहे तो क्या कुछ टाइमिंग्स रहती हैं और कितना पसंद करते हैं लोग इस जगह को? सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक की टाइमिंग है यहाँ पे। और जो जैसे आप बोल रहे हैं तो इसमें लोगों को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे देखिए अच्छी हवा है, अच्छा मतलब वातावरण है एकदम, और कोई भी आता है तो अंदर वो पूरा आनंद लेता है, बोर नहीं होता है। तो चलिए हम भी चलकर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं अंदर क्या कुछ खास है। और आपको ये जगह पसंद आती है या नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट वाटिका कुंज ये है। वाटिका कुंज है, यहाँ से रास्ता है वाटिका कुंज के लिए। तो चलिए आज मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ तो एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को और देखते हैं क्या कुछ खास यहाँ पर है। जैसे आप देख रहे हैं ग्रीनरी यहाँ पर है, सुकून शांति तो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और जैसे कि भैया ने बताया कि यहाँ पर फोटो सेशन के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, अगर आप अपने साथ में बच्चों को लेकर के आते हैं तो उनके लिए पार्क भी यहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छी ये जगह है जहाँ पर सुकून शांति के पल आप बता सकते हैं। बैम्बू हट है और यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे तंबाकू उत्पादों का सेवन करना दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर आप किसी तरीके की इस तंबाकू या ऐसी चीज़ों का सेवन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुकून के पल आप यहाँ पर ज़रूर बिता सकते हैं। चारों तरफ हरियाली और शांति यहाँ पर ज़रूर है और भीड़ भाड़ से दूर, चिलचिलाती धूप से दूर यहाँ पर फोटो सेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर जो भी चीज़ें लगाई गई हैं पौध के रूप में उनके नाम भी साथ में लिखे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ये पीपल का पेड़ यहाँ पर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं और सबके आगे इन्होंने एक नेम प्लेट लगाई है ताकि पता चल सके कि कौन सा पेड़ जो है किस चीज़ का है। ये पीपल का पेड़ है और इसके
इसके आगे ये आंवले का पेड़ है, तो यहाँ पर बच्चों की नॉलेज के लिए भी मुझे लगता है कि ये जगह काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि आंवले का पेड़ कैसा होता है, पीपल का कैसे होता है, बड़ का पेड़ कैसा होता है, ऐसे हर एक पेड़ के साथ में नेम प्लेट लगी है। नक्षत्र वाटिका ये है, और यहाँ पर रोहिणी, स्वामी ग्रह, वनस्पति का नाम, मतलब सारी जो चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन के साथ में प्रॉपर लगाई गई हैं। फोटो सेशन के लिहाज से ये जगह बहुत अच्छी है। और आज कल सोशल मीडिया का एक दौर चल पड़ा है जहाँ पर रील्स बनाने का, यूट्यूबर का काफ़ी चलन में है, तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो ये जगह वाकई में बहुत अच्छी है। मुझे तो बहुत पसंद आई है। आपको ये जगह कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये बरगद का पेड़ यहाँ पर है, इसके साथ ही ये ढाक का पेड़, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं। रीठा का पेड़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ऐसे वाकई में मतलब मुझे ये चीज़ देख करके बहुत अच्छा लगा कि जितने भी पेड़ हैं उसके साथ में इन्होंने उसका नाम भी लिखा है और पूरी डिटेल दी है। रीठा का पेड़ है, बल का पेड़ है, तो अगर आप अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखाना चाहते हैं, नॉलेज उनको मुझे लगता है यहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, उनको पता चलेगा कि कौन सा पेड़ कैसा होता है, किस चीज़ का होता है। और अगर स्कूल के टीचर्स भी बच्चों के लिए कोई पिकनिक स्पॉट देख रहे हैं जहाँ पर बच्चों के लिए वो इंजॉय भी करें और उनको नॉलेज भी हो, तो उस लिहाज से ये जगह मुझे लगता है काफ़ी अच्छी हो सकती है। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ही सुटेबल जगह है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्क है बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे जो है आराम से झूला झूल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर नर्सरी भी आप देख सकते हैं, अलग अलग पौध की जो है यहाँ पर नर्सरी लगाई, नॉलेज के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी अच्छी जगह है, और शांति और सुकून तो यहाँ पर है। फोटो सेशन के लिहाज से भी ये जगह काफी खूबसूरत है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग जानवरों की कलाकृतियाँ यहाँ पर बनी है, हिरन है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है पिक्चर सेशन के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पर जैसे आप सामने देख रहे हैं तो बहुत अच्छी मुझे ये जगह लगी है। यहाँ पर नेचर वॉक के लिहाज से आप देखिए कितनी अच्छी जगह है, चारों तरफ ग्रीनरी है, और नेचर वॉक यहाँ पर आप कर सकते हैं, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, या फिर अपने बच्चों के साथ आएँ। ये जगह हर लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है। सामने जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों के लिए या जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए एडवेंचर एक्टिविटी भी यहाँ पर है, जहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। सुकून के पल अगर आप बैठना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंच लगे। और इस जगह की मैं आपको बताऊँ, सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है वो ये है कि खास बात यह है कि जैसे हम डियर पार्क जाते हैं या किसी भी पार्क जाएं, तो वहाँ पर इतना बाजारीकरण हो चुका है कि वहाँ पर जो है आप अंदर जो उनके रेस्टोरेंट बने हैं, कैफे बने हैं, आपको वहीं से खाना लेना होता है। आप अपना पर्सनल अगर पिकनिक के लिहाज से घर से खाना बना के ले जाते हैं तो वो आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अंदर अलाउड ही नहीं होता है। लेकिन इस जगह की यही मैं कहूँगी प्लस पॉइंट या फिर एक खास बात यह है कि आप अपने घर से खाना पैक करके, खाना बना करके यहाँ पर पिकनिक भी कर सकते हैं, घर से खाना बना कर यहाँ पर खा सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर अलाउड की गई है। तो मुझे ये चीज़ यहाँ की सबसे अच्छी भी लगी है। और यहाँ पर आप देखेंगे नेचर वॉक के लिहाज से ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, और बच्चों के लिए एक नॉलेजेबल जगह भी है। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं इसका नाम है बटरफ्लाई गार्डन। सामने जैसे लिखा है तितली और पतंगे, तो शायद यहाँ पर बटरफ्लाई काफ़ी दिखाई पड़ती है, इसीलिए इस जगह का नाम जो है बटरफ्लाई गार्डन रखा है। यहाँ पर सामने लिखा है तितली उड़ी, तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और सामने एक तितली का, बटरफ्लाई का एक जो है यहाँ पर मूर्ति भी बनाई गई है। प्रकृति की गोद में आप आ गए हैं, ऐसा यहाँ पर देख करके लग रहा है। ग्रीनरी है, बहुत शांति
यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, अलग अलग जानवरों की कलाकृतियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये बांस आप देख सकते हैं कैसे एक झुंड में यहाँ पर हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लगे हुए हैं। तो नॉलेज के हिसाब से ये जगह मुझे काफ़ी पसंद आई है। आप देख सकते हैं ये बांस किस तरीके से यहाँ पर एक साथ एकजुट होके बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अभी मुझे एक जो है मोर दिखाई दिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मुझे लग रहा है फ्यूचर सेशन के लिए बहुत अच्छा आपको दिखाई पड़ सकता है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे ये वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल है। वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा के जल का संचयन किया जाता है। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को कैसे हम इस्तेमाल में लाएं, कई बार हमारे घरों में पानी नहीं आता है तो बारिश के पानी को हम इस तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप लगाया गया है और ये पाइप डायरेक्ट टंकी में जा रहा है। तो अपने घर में जो है बहुत तरीकों से हम इस तरीके से जो पानी बारिश का होता है उसका इस्तेमाल, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मॉडल ये बनाया गया है और हमारे पर्यावरण की बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जो आपको बहुत ही अच्छी लग सकती हैं। जैसे आप ये देखेंगे, इसका नाम है बार्किंग डियर और इसके बारे में जानकारी भी यहाँ पर लिखी है कि ऑल्सो नोन एज अ मोंटेजस मस्ट्रेनी नाम इसमें लिखा है। देज आर वेरी स्मॉल एंड लिस्टेड एज लीस्ट कंसर्न बाय द लूशन। तो ऐसी हर एक जो आकृति यहाँ पर जानवरों की बनाई गई है उसके बारे में जानकारी भी साथ में दी गई है। जो पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है, क्या उसका नाम है, क्या वैज्ञानिक नाम है और डिटेल जो है उसके बारे में दी गई है। तो नॉलेजेबल के लिहाज से अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये पार्क वाकई में बहुत खूबसूरत है। जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर ये सीढ़ियाँ लगी है और जब ये सीढ़ियाँ मैंने देखी तो मैंने सोचा ये सीढ़ियाँ आखिर जा कहाँ रही हैं। तो ये सीधा आप सीढ़ियाँ देखेंगे और ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी टाइप की बनी है, ये ट्री हट है। यानी कि पेड़ पर जो है आप ऊपर चढ़ के एक झोपड़ी में बैठ सकते हैं, ऐसा आनंद भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस पर लिखा है पर्ण कुटीर यानी कि ट्री हट और इस पर यह भी लिखा है कि 50 रुपये जो इसका टिकट है, 3 ट्री हट यानी कि शायद 3 लोग उसमें बैठ सकते हैं ऊपर। और ये भी लिखा है कि इस ट्री हट पे 15 वर्ष से ज़्यादा के लोग ही जा सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी पर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छा है कि पेड़ों के बीच पर ऊपर आप बैठे। अगर पेड़ों पे बैठने का आपको शौक़ है तो काफ़ी अच्छी ये जगह है, ऊपर चढ़ के आप आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग जो है वहाँ पर बैठ सकते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है इन्फॉर्मेशन कॉरिडोर। जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ इस पार्क का नाम है इन्फॉर्मेशन ग्राउंड। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अभी एक सवाल ऊपर लिखा है, क्या करें क्या ना करें। तो जब ये ऊपर की लाइन मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं और हर किसी की ज़िंदगी में ये सवाल तो आता ही है कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन ये किस विषय पर लिखा है कि जब आप सांप को देखें तो आपको क्या करना चाहिए। देहरादून में गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपके घरों में अक्सर सांप भी आ ही जाते होंगे। तो सांप देखने पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस पर बताई गई हैं कि क्या आप करना चाहिए जब अचानक से आपको सांप देख सकते हैं। तो आपको होपलेस नहीं होना है, क्या करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, कैसे आप उससे बच सकते हैं। और फ़ोन नंबर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है। सांप अगर आप अचानक से देख लेते हैं तो होपलेस ना होंगे, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और यहाँ पर सांप की भी एक कलाकृति सामने आप देख सकते हैं। ऐसे ही
और भी पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी ने भी यहाँ पर 2020 में ये पौधा रोपा था जो आज फल फूल रहा है। और ऐसे ही और भी पेड़ यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। श्री जयराज जी ने यहाँ पर पेड़ लगाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा भी यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं जो आज अच्छे फल फूल रहे हैं। श्री जयराज जी जो कि प्रमुख वन संरक्षण हैं, उन्होंने भी यहाँ पर ये पेड़ लगाया है। तो आज आपने देखा देहरादून के झाजरा में स्थित आनंद वन जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत है और उम्मीद करती हूँ आपको आनंद भी जरूर आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन लंगूर यहाँ पर बैठे हैं, तो इन लंगूरों के साथ में जो है इनसे भी हम विदा लेते हैं और आगे जो है आपको कुछ और भी खास चीजें जरूर दिखाएंगे जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से। जुड़े रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी पर रोशनी खंडूरी।